माननीय श्री बुलाकी दासी का राजस्थान के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री अशोक जी गहलोत साहब, सम्मानीय श्री राजेंद्र जी यादव, सम्मानीय श्री सुभाष जी गर्ग साहब, सम्मानीय श्रीमती जाहिदा जी बेगम, प्रिय श्री नवीन जी जैन, हमारे शिक्षा विभाग के माध्यमिक और प्रारंभिक के शिक्षा निदेशक श्री श्री कानाराम जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, आज जो सम्मानित हुए वे सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं, उपस्थित भाइयों बहनों और पत्रकार बंधुओं, यादेवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। माँ शारदा को वंदन करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आज डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर, जिसको उन्होंने शिक्षक दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा था, मैं तमाम शिक्षक भाइयों और बहनों को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। और आज जिनका सम्मान हुआ है 150 शिक्षक शिक्षिकाओं का, उनका भी अपनी ओर से और राज्य सरकार की ओर से, विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। शिक्षक के बारे में ये कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है। और गुरु की महिमा के बारे में बहुत संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। बाकी देवता को तो कोई, जिसका तीसरा नेत्र खुलता है वो ओमनीपोटेंट ओमनीसिएंट ओमनीप्रेजेंट को देख पाता है, बाकी ये हमारे साक्षात गुरु हैं, जो घर में माता पिता और शिक्षक हैं वो साक्षात देवता के रूप में माने जाते हैं। और इसीलिए कहा गया है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। भगवान को बताने वाले, और जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है, ढक्कन बना देता है, कोई लोटा बना देता है, कोई ढक्कन बना देता है, कोई छोटा छोटा घड़ा बना देता है, वैसे ही बालक एक बहुत आखेट अवस्था में आपके पास आता है, उसको आप पढ़ाकर किसी को डॉक्टर बना देते हो, किसी को इंजीनियर बना देते हो, किसी को आप CA MBA पता नहीं क्या क्या बना देते हो, लेकिन उसके बनाने के पीछे उस तालीम देने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है गुरु शिक्षक। इसलिए आप महान हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए एक शिक्षक खुद गुटखा खा रहा है, बच्चों को गुटखा मत खाओ, बच्चा कैसे मान लेगा? इसलिए आपको आदर्श शिक्षक बनना पड़ेगा। खुद हमारे जिस तरह से राधा कृष्ण जी कितने सिंपल थे, वो कहते थे सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ इंडियन रिलीजन, सादा जीवन उच्च विचार,